विश्व कप इसीलिए जीतेगी क्योंकि विराट के वीरों के पीछे है मोदी की किस्मत। जी हाँ, चौकी मत, वहाँ पे तो सरीना फिफ्थ फ्लोर आपका जो गोस्वामी है, जो मतलब क्या है वो, उसका मैंने नाम रखा सरीना फिफ्थ फ्लोर, वो तो बेचारा करते ही प्रोग्राम पाकिस्तान बेस्ड है। एक दूसरे की बुराई करने वाला भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया ऐसे किसी मैच के दौरान पूरा फायदा उठाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाता है। हिंदू फोबिया फैलाने की साजिश हो रही है। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करते हैं। हाल ही में टाइम्स नाउ ने उत्तर प्रदेश चुनावों पर एक सर्वे किया जिसमें योगी आदित्यनाथ को जनता ने अच्छा बताया। नाविका के मुताबिक ये सर्वे कुछ हजार लोगों पर किया गया पर मीडिया ने इसे बड़ा करके जनता को दिखाया। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? शानदार, 80% ऑलमोस्ट 80% लोग कहते हैं शानदार, अच्छा 4.4% और औसत 15.9%, लेकिन 80% उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि शानदार काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये आंकड़ा देखने वाला है, मैं नहीं कह रही, पब्लिक कह रही है। 2500 लोगों ने हमारे 3 घंटे के इस सर्वे में पार्ट लिया है। मीडिया अक्सर सरकार के नेताओं की तारीफ करता है और ऐसा करते हुए गलती भी कर देता है। आप न्यूज 18 का ट्वीट देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। संडे को इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ जिसमें भारत की हार हुई, लेकिन उम्मीद है कि भारत अपना अगला मैच जरूर जीतेगा। खैर, मैच से पहले ही भारतीय मीडिया में भारत जीत ही गया है ऐसा दिखाया जा रहा था। जी न्यूज पर DNA शो में सुधीर चौधरी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर से बात की जिसमें शोएब अख्तर ने इंडिया मीडिया पर टिप्पणी भी कर दी। आम मंदर देखी मीडिया रहा है ना, तो हमारा तो मीडिया अगर आप उठा के देखने तो इक्का दुक्का न्यूज होगी। वहाँ पे तो सरीना फिफ्थ फ्लोर आपका जो गोस्वामी है, जो मतलब क्या है वो, उसका मैंने नाम रखा सरीना फिफ्थ फ्लोर, वो तो बेचारा करते ही प्रोग्राम पाकिस्तान बेस्ड है। मतलब इतनी नफरत में आखिर कहाँ जाना है। मैं तो ये सारा सुन के मुझे बोरियत हो जाती है, मुझे दिल तंग पड़ना शुरू हो जाता है यार। हालांकि जो मैं हिंदुस्तान देख के आया हूँ वो बड़ा वास है, बड़ा लिबरल है, बड़ा वेलकमिंग है, एंड दिस इज द इंडिया दैट आई टेल पीपल। तो मुझे आगे आपका मीडिया दिखा देते हैं। मैं कहता हूं ये सिर्फ मीडिया का थोड़ा सा पार्ट है। मैं आपके जी न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज़ आई एम वर्किंग विद यू। मैंने जी न्यूज़ का बड़ा बैलेंस नैरेटिव देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका नैरेटिव बहुत अच्छा बैलेंस होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं बाकी चीजें देखता हूं तो उसमें दुख होता है। सुधीर चौधरी ने अपने शो DNA में कुछ साल पहले आतंकवादी गतिविधियों के चलते BCCI को भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की बात कही थी। देश में जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम में से ज्यादातर लोग फेसबुक या ट्विटर पर या अपने व्हाट्सएप पर अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, अपनी DP बदल लेते हैं और भारत के नाम की कसमें खाते हैं। लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की आती है तो हमारी इन देशभक्ति की भावनाओं पर चौके छक्के हावी हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को किसी मेगा इवेंट की तरह पेश किया जाता है और लगातार एक दूसरे की बुराई करने वाला भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया ऐसे किसी मैच के दौरान पूरा फायदा उठाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाता है, कोलैबोरेशन कर लेता है, क्योंकि अक्सर टेलीविजन चैनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रेटिंग का गेम होता है, TRP बढ़ती है। और यही एक अकेला ऐसा वक्त होता है जब भारत और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स मिल जाते हैं और मिलकर भारत और पाकिस्तान के इस मैच को बहुत हवा देते हैं। कश्मीर में हुई घटना के बाद जहां मीडिया भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहा था, वहीं सुधीर चौधरी इस बार मैच का विश्लेषण कर रहे थे। तो अब से अगले 28 दिनों तक मोहम्मद कैफ और शोएब अख्तर जी न्यूज की टीम में खेलेंगे, या ये कह लीजिए कि आपकी टीम में खेलेंगे, और ये टीम आपको वर्ल्ड कप का सबसे सटीक विश्लेषण देगी। और इसकी शुरुआत करने के लिए आज DNA के इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कैफ और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोएब अख्तर। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शोएब साहब बहुत बहुत स्वागत, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कैफ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अक्सर मीडिया क्रिकेट में भी मोदी जी की तारीफ करना नहीं भूलता। ये मीडिया की एक पुरानी क्लिप देखिए, वर्ल्ड कप जीतने का भी श्रेय PM मोदी को ही दिया गया था। विश्व कप इसीलिए जीतेगी क्योंकि विराट के वीरों के पीछे है मोदी की किस्मत। जी हाँ, चौकी मत, हैरान भी मत होइए, ये सच है, मोदी की किस्मत से जीतेगी टीम इंडिया। आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे,
आज यही खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं जिस पर शायद ही किसी क्रिकेट फैन का ध्यान गया। ये भी दिलचस्प है श्वेता कि जब हम कहते हैं, मतलब नारा चला था आएगा तो मोदी ही, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री भी बार बार कहते थे, और उसके बाद हुआ जीतेगा तो इंडिया ही। तो ये नारे भी आपस में बहुत मायने रखते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मीडिया किसी न किसी मुद्दे में व्यस्त रहता ही है। देखते हैं क्या इस बार मीडिया ने अपनी डिबेट में महंगाई पर बात की या नहीं। पटाखा फोड़ने वालों की जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक तलाश जारी है। क्या इस्लामोफोबिया के ढिंडोरे के पीछे, शमी की ट्रोलिंग के पीछे, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके पीछे हिंदू फोबिया फैलाने की साजिश हो रही है। ये कई ऐसे छोटे 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 गुट इकट्ठे हो गए और पनपने लगे हैं। ये जो बीमारी है इसका वायरस अब राकेश टिकैत में आ गया है और इस जैसे कई लोग और हैं। हिंदू फोबिया टूल किट पाकिस्तान से ट्रोलिंग हो रही थी। दे फील, और मैं सही बोल रहा हूँ नरेंद्र कोहली जी, दे फील कि देश के खिलाफ करने से दे आर टेकन एज मोर कूल। न्यूज 18 की एक डिबेट में एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया। जब कांग्रेस प्रवक्ता जवाब दे रहे थे तो एंकर ने बीच में टोका, जिसके बाद प्रवक्ता ने एंकर की क्लास लगा दी। मोदी सरकार की नीति क्या थी? मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जो इसने दिया था, बहुत उसको नकार दिया, उसको मुझे दिया। लगता है कि आपके जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप इसका जवाब देना नहीं चाह रहे। सवाल आपको सुनाई दे रहा है मेरा अभिजी, आप कवर फायर दे रहे हैं। मैं कवर फायर नहीं दे रहा, कवर फायर वो नेता देते हैं जो कहते हैं 370 जब हटते हैं तो कहते हैं कि कितने हमारे कश्मीर के लोगों का, कवर फायर वो नेता देते हैं, कवर फायर वो देते हैं जो 370 हटने के बाद छाती पीट रहे थे और ग्लोबली भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। कवर फायर वो देते हैं जो अपने लोगों को कमजोर करते हैं और बाहरी ताकतों को मजबूत करते हैं। कवर फायर वो देते हैं जिनके डोजियर लेके पाकिस्तान यूएन की असेंबली में चला जाता है। कवर फायर वो देते हैं जो देश को पीछे रख के राजनीति को आगे रखते हैं। कवर फायर वो दे रहे हैं बेटी। I will not mince my words today. आप दे रहे हैं आर्टिकल। मैं I will not mince my words today. इसके अलावा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मीडिया के डिबेट्स को ट्रोल किया गया है। पाकिस्तान पाकिस्तान लगा रखा है, सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है, लोग मर रहे हैं। अरे पेट्रोल छोड़ उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इन रियल प्रॉब्लम्स पे हमारा मीडिया कब बात करेगा? क्या हमारा मीडिया बिकाऊ है? पेटीएम पर 2000 प्राप्त हुए। तो रियल प्रॉब्लम के बारे में हमारे टीवी चैनल बात करेंगे, हम बात करेंगे रियल प्रॉब्लम के बारे में। तो रियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।